फ्रेंड्स वेलकम टू सी एस इंटर देखिए यू पी सी कई बार जो है कि जो कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक uh, होते हैं एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं ना वहीं से क्वेश्चन को पुटअप करती है पॉलिटिका का जिसे मान लीजिए हम कुछ डिस्कस करने जा रहे हैं ये न्यूज में भी रहा है और इससे क्वेश्चन पूछे भी गए हैं और इस वजह से हम यहाँ पे एक डिस्कशन करने जा रहे हैं देखिए बो बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट इधर के मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट होती है जनरल गवर्नमेंट होता है या जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट होती है तो ये कुछ लोन ले लेती हैं या उधार लेती हैं बोरो करती हैं उधार लेती हैं मार्केट से तो उनका अपना अपना स्ट्रेंथ होता है कैपेसिटी होती है कैपेसिटी के हिसाब से अपना ये बोरो करती हैं फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए कि आप हो यो ठीक है आप आपके पास पैसे की कमी हो जाती है तो आप किसी से उधार लेते हैं बोरो करते हो या फिर लोन पर लेते हो ठीक है तो वो जिससे लेते हो ना वो आपको पहले जांचेगा परखेगा आपका स्ट्रेंथ देख लेगा कि क्या ये मेरा पैसा रिटर्न कर सकता है कि नहीं कर सकता है ठीक है तो ये सारी चीज़ें देख करके ही वो जो है कि आपको फिर लोन देगा अदरवाइज वो नहीं देगा आपको आप कितने भी उसके क्लोज हों ठीक है और देगा भी ना तो जैसे मान लीजिए कि ज़्यादा नहीं देगा कुछ देगा कि भाई डूबेगा तो डूब जाने दीजिए अदरवाइज़ रहने दीजिए तो इन द कॉन्टेक्स्ट में कि हम आ, कैसे ये लोग बोरो करते हैं उनके देखते जैसे मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट है ये अगर उधार लेना चाहती है ले सकती है कोई दिक्कत नहीं है चाहे इंडिया के विद इन इंडिया ले चाहे आउटसाइड इंडिया ले कोई दिक्कत नहीं बट उसकी एक सिक्योरिटी होती है किस पे कंसोलिडेशन फंड ऑफ इंडिया जो होता है ना उसके बेसिस पे होती है और ये नहीं कि उसके बेसिस पे गवर्नमेंट अभी बीजेपी है तो मनमन्ना लोन लेकर के बैठ गया ये लिमिटेशन ना फिक्स किया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा बात समझ रहे हो अब ना इस चीज के लिए देखिये बोरो आइदर विद इन इंडिया या आउटसाइड इंडिया अब कंसोलिडेशन फंड ऑफ इंडिया पे कर सकते यार ए, एनी अदर ग्रांट होते हैं उनके बेसिस पे कर सकते हो लेकिन ये कितना होना चाहिए कितना होगा ये जो कि पार्लियामेंट डिसाइड करती है पहला पहला पॉइंट है ये अब दूसरा पॉइंट आते हैं सिमिलरली ठीक है, है स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकती है विद इन इंडिया से ठीक है लेकिन विद इन इंडिया से बाहर से नहीं कर सकती है बात देखिएगा यहां पे नॉट एब्रॉड ठीक है और वो भी कंसोलिडेशन फंड ऑफ द स्टेट के बेसिस पे होता है और वो फिक्स किया जाता है स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली के थ्रू जो तीसरा पॉइंट बनता है ना ये काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है ध्यान दीजिएगा सेंट्रल गवर्नमेंट कंटेक लोन मेक लोन टू एनी स्टेट गिवेन गारंटी रिस्पेक्ट ऑफ लोन राइट बाई एनी स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट दे सकती है मतलब अगर स्टेट गवर्नमेंट को पैसे की कमी है ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट से भी लोन ले सकती है वो ग्रांट भी ले सकती है ठीक है दूसरी चीज एनी असम रिक्वायर फॉर मेकिंग और ऑफ मेकिंग सच एज लोन आर चार्ज अगर ये ऐसे लोन लेंगे ना ऑन काउंसिल वो चार्ज किया जाता है चार्ज मतलब कुछ परसेंटेज उनको इंटरेस्ट देना पड़ता है स्टेट को समझ गए चौथा है ये थोड़ा सा फिर इंटरेस्टेड बन जाता है ये क्या स्टेट कान अराइज एनी लोन विदाउट कंसेंट ऑफ देखिएगा बिना बिनाट के वो मतलब परमिशन आउट स्टैंडिंग एनी पार्ट ऑफ द लोन मेड टू स्टेट सेंटर और गवर्नमेंट बात को समझ गए कि अगर जो अब अगर मान लीजिए कि जो मान लीजिए तमिलनाडु है वो लोन कहाँ से लेगी यूपी से ले सकती है महाराष्ट्र से ले ले ठीक है तो वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही परमिशन देगी ना उनको तो मतलब कुल मिला के ये है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट लोन लेना चाहती है ना पहले सेंट्रल गवर्नमेंट का असेंट होना चाहिए और अगर उधार लेती है सेंट्रल गवर्नमेंट से तो उसको जो कि इंटरेस्ट हाँ पे करना पड़ता है राइट right. तो ये बेसिक सी चीज़ें थी कि कौन सा कैसे करता कर अरे कॉन्स्टिट्यूशन में अच्छे से मतलब और भी दिया गया है मैं उधर ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ बस आपको बता रहा हूँ ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है पूरी तरह से इधर के लिए देखिए कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे देखिए दिया है मैंने थोड़ा सा उसको नहीं किया है हाईलाइट ही यहाँ पे देखिए कॉन्स्टिट्यूशन मेक द फॉलोइंग प्रोविजन रिगार्डिंग बोरोइंग पावर सेंटर और स्टेट के ठीक है तो ये बेसिक हमने चीज़ें डिस्कस किया आई होप कि आप लोग इस चीज़ को समझेंगे और इस वीडियो में जाए थैंक यू थैंक यू वेरी मच डिस्कशन